यहाँ से देखिए गर्म पानी आ रहा है बिल्कुल ही खोलता हुआ। रुद्र बेचन रुद्राक्ष ये प्योर है ना बिल्कुल ये प्योर फल है इसमें से निकलेगा रुद्र वो दिखाएंगे आपको। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं माँ यमुनोत्री के दरबार तो सामने देखिए सो देखिए यार ये चढ़ाई कितनी दूर है ऊपर आइस वाले पहाड़ दिख रहे होंगे बर्फ वाले आपको चलिए दोस्तों अभी आधा किलोमीटर और बाकी है भैया लोग सभी जने बस हो गई सब लोग चढ़ गए। अभी केदारनाथ में क्या होगा आपने वहाँ तो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है क्यों सब देख लेंगे 3 दिन का रेस्ट भी तो अभी बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन का। तो गाइस ये व्यू पॉइंट देखिए यार कितना मस्त है एकदम मौसम वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर मतलब क्या नज़ारा है यार ऐसे लगता है जन्नत हम लोग स्वर्ग में है आप उत्तराखंड को स्वर्ग भी बोल सकते हैं स्वर्ग से कम नहीं है वैसे बहुत खूबसूरत है यार बहुत खूबसूरत देखिए क्या वैलियाँ हैं और ऊपर से जो धूप सनलाइट आ रही है कितनी मस्त दिख रही है। अभी इतने ज़्यादा थक गए हैं यमुनोत्री में तो बद्रीनाथ में क्या हाल होगा मैं ये सोच रहा हूँ बद्रीनाथ नहीं केदारनाथ हाँ सॉरी केदारनाथ। सो देखिए यार ये चढ़ाई कितनी दूर है ऊपर आइस वाले पहाड़ दिख रहे होंगे बर्फ़ वाले आपको चलिए तो क्या जो बता दूँ अभी 1.5 किलोमीटर रह गए जब से चल रहे 1.5 किलोमीटर खत्म नहीं हो रहा है। यमुनोत्री 1 किलोमीटर है दिखाता हूँ मैं आपको भी सो यहाँ पर देखेंगे यमुनोत्री 1 किलोमीटर रह गया है चलते हैं अब कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। काफ़ी अच्छा यार एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है वैसे एक चीज़ दिखाते हैं आपको यहाँ पर रुके भैया जी बेच रहे हैं कुछ स्पेशल और देखिए रुद्र बेच रहे रुद्राक्ष ये प्योर है ना बिल्कुल ये प्योर फल है इसमें से निकलेगा रुद्र वो दिखाएंगे आपको और साथ में शिलाजीत ये रुद्र रखे हुए देखिए और ये क्या है ये हींग है केसर है सुराजित है केसर हींग सब कुछ है सुराजित भी मिलेगा आपको और ये आप कहाँ से लाते हो भैया हरिद्वार से हरिद्वार से चलिए भैया खोलते हैं किस्मत अजमाते हैं कितना मुखी निकलता है भैया हर हर महादेव और एक कितना पुराना होगा भैया रुद्र ये अभी का है भैया पुराना नहीं ये नेपाल से भी आते हैं ना वैसे भी आता है ये देखो भैया इसको घी में पटक देना काला पड़ जाएगा या फिर ऑरेंज पड़ जाएगा जी भैया साफ हो गया अभी पूरा साफ नहीं घी में पटक देना पूरा साफ क्लियर दिख जाएगा रुद्र अरे वाह यार फल में से निकला रुद्र देख लीजिए यार कैसा लग रहा है आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है यार अगर आप भी ऋषिकेश यहाँ पे ऐसी जगह आते हैं तो ऐसी चीज़ ज़रूर लेके जाए तो यहाँ पर ना एक देखने वाली चीज़ है सामने देखिए तो वाटरफॉल है ना बिल्कुल दूध की तरह दिख रहा है क्यों सी बात बिल्कुल ऐसे लग रहा है दूध हो और ऊपर देखिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ अभी धुआं भी है ऊपर धुंध बहुत ज़्यादा है और बस मैया का दरबार बिल्कुल ही नज़दीक सामने आप देख सकते हैं स्वागत है आपका यमुनोत्री 200 मीटर है और वो सामने माता रानी का दरबार दिख रहा है तो बस हम लोग पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार चलते हैं भाई दर्शन वगैरह करेंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं बहुत ज़्यादा थक गया बहुत ज़्यादा क्यों सी बात और अपने आगे वाले तो निकल भी गए हैं पता नहीं कितनी दूर तक निकल गए हम लोग पहुँच गए हैं माँ यमुनोत्री के दरबार तो सामने देखिए
सी बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको टेम्पल, और ये कुछ वादियाँ ऐसी बीच पहाड़ों के अंदर है। क्यों माता, जबरदस्त यार, वो स्वर्ग लग रहा है, स्वर्ग। Few moments later, और तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम, और ये कुछ यहाँ ऐसी मार्केट है अंदर, कुछ ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हैं यार, कॉस्टली भी होंगी क्योंकि यार काफ़ी दूर से लाते हैं, मिठाई स्वीट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। आ जाओ भाई साहब, जन्नत से क्या आवाज आ रही है पानी की झरनों की, ना पहले पार्ट में देख रहे हैं, दूसरे पार्ट में बताना जरूर। बड़े दिनों बाद भाई लोग हम लोग छोड़ के आ गए थे, बहुत मजा आ रहा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सी बहुत ही अच्छा व्यू है सामने, देखिए पहाड़ के बीच में बालू का, और भैया के दरबार आकर यार बहुत खुशी मिली है। अपने तीन चार घंटे लगे होंगे ना, चार घंटे तो भाई पूरे लगे हैं, 8:30 से निकले थे, 4 घंटे तक अभी पहुँचे हम लोग माता के दरबार, तो चलते हैं दर्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई जी ये देखिए गर्म कुंड, धुआँ निकल रहा है पानी में से बिल्कुल, तो यहाँ पर भाई अपन लोग नहाएंगे अभी, एकदम गर्म पानी है भाई, ये तो गर्म है भाई, तो बहुत गर्म है, अभी नहाएंगे अपन लोग, इससे पहले कपड़े वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं फिर उसके बाद मिलेंगे। मज़ा आ रहा है, गर्म बहुत गर्म है, नेचुरल गर्म पानी, नेचुरल। अरे हॉट वाटर है यार, कृपा है कि यहाँ पर पानी बिल्कुल गर्म रहता है इस तप्त कुंड में, मतलब कभी भी ठंडा नहीं होता, और मतलब गर्म ठंडा क्यों, माता की कृपा है, यही चमत्कार है। वो ठंडा आ रहा है, वो ठंडा है, ये नॉर्मल गर्म ठंडा है, यहाँ से देखिए पानी गिर रहा है, और हम लोग फाइनली यहाँ वहाँ के रेडी हो चुके हैं, बहुत गर्म पानी था, मज़ा आ गया, प्रसाद लेते हुए चढ़ाते ऊपर ही मिल जाएगा शायद। अंदर के नज़ारा भाई साहब देखिए, जल्दी जल्दी दिखा दो, मैया का दरबार अंदर का देखिए ना, दूसरे ना ओ पंडित जी आगे बढ़ो प्लीज, फोटो वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बट मैं बना रहा हूँ, चलिए चलते हैं बाहर थोड़ा, मजा आ रहा है। गाइस बड़ी मुश्किल में हम लोगों ने वीडियो बनाया है माता रानी का, और देखिए माता की मूर्ति आपने बहुत ही अच्छी प्रतिमा, मतलब मन प्रसन्न होगा माता के दर्शन होते, क्यों यहाँ पर देखिए, वैसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, और बहुत चुप माफ़ करना माता रानी, तब तक बन यहाँ से देखिए गर्म पानी आ रहा है बिल्कुल, यहाँ खोलता हुआ मैया की कृपा, बिल्कुल धुआं निकल रहा है पानी का, यहाँ पर देखिए चमत्कार है कि जो भी आलू चावल लाएंगे ना यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जाएंगे, माता रानी की यहाँ पर अजीब लीला भाई साहब, अजीब
यहाँ से भी पानी आ रहा है, वही जो मैंने दिखाया था अभी आपको। तू मामा नहीं, क्या चमत्कार है ना माता रानी। अपन भी लाते हैं चावल वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए माता रानी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो मन प्रसन्न हो गया यार। तो ये यमुनोत्री माता का मंदिर आप बैक में देखेंगे, और सभी क्राउड लोगों का अभी थोड़ा अंदर का बारिश भी पड़ने लगा, बहुत मज़ा आया यार दर्शन करके। अभी हम लोग अपन लोग कहाँ जाएंगे, गंगोत्री। अभी हम लोग कल जाएंगे गंगोत्री, उसका ब्लॉग आएगा आपके लिए कल। गाइस आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ की सुंदरता और स्वर्ग की तरह गिरने वाला पानी। तो आ जाओ। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। और हम एक चीज़ निकालने वाले हैं, पंडित जी ने बोला था कि यहाँ से एक बारी में हाथ डाल के एक कंकड़ निकाले, वो पर्स में रखे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं नदी की तरफ और वो पत्थर को निकालते हैं जो आपकी किस्मत में होगा। तो चले अजय, चलिए। हाँ ये सब लोग दोस्तों हम निकालते हैं वही वो पत्थर। अपन जैसे कि पंडित जी ने बोला था कि वो नदी है, देख सकते हो भाई साहब क्या ठंडा पानी आ रहा है। दोबारा उठाओ, बहुत ठंडा पानी है यार, बर्फ बना देने वाला पानी। तो एक ये देखिए जैसे कि बोला था, एक हमने उठा लिया। तो भाई चलिए अब चलते हैं यार मंदिर के वहाँ पर और ब्लॉक को फिर एंड करेंगे। कितना लो जी अभी यहाँ पर सुबह सो गया, नींद आ गई है। तो गाइस ये है आज का हमारा रूम जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिलहाल अभी बज चुके होंगे 10 बज चुके होंगे, हाँ 10:30। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा आज यमुनोत्री में हमने घूमा, अच्छा फुल एक्सप्लोर किया, और कुछ वीडियोस थी वो मैंने एडिट की यहाँ पर आके। तो आपने तो देख ही ली होगी यमुनोत्री की वीडियो। कल का प्लान हमारा जाने के लिए, हम जाएंगे गंगोत्री में, वो आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे गंगोत्री में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ब्यूटी है, पूरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये हमको रूम पड़ा है 600 रुपये में, कल भी हमको 600 में मिला था, जो कि अपन लोग कहाँ पर रुके थे वहाँ, तो वो वाला भी 600 का था, नाम मेरे को याद नहीं है। और हाँ जानकी कुंड, तो ये वाला भी बहुत अच्छा, ये भी अच्छा रूम है, साथ में एक बाथरूम भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश टॉयलेट भी लगा हुआ है। और भैया जी क्या कर रहे हैं अभी, मैं क्रिकेट देख रहे हो, मैच का स्कोर देख रहा हूँ, मैच का स्कोर देख रहे हो। यहाँ पर अजय भाई, अजय भाई तो बिल्कुल सो गए, ये तो उठेगा नहीं बंदा। कुछ बाहर का देखिए व्यू पॉइंट ऐसा है। तो भाई सब बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत है, दिखा नहीं सकता क्योंकि रात हो चुकी है, और इस तरह का होटल है। सुबह मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, बट दोस्तों सुबह भी नहीं दिखा सकता क्योंकि पता क्या है, सुबह हम लोगों को 5 बजे निकलना है यहाँ से, 5 बजे भी अंधेरा होता है यहाँ पर पहाड़ों में, 5 बजे फिर मैं आपको व्यू पॉइंट यहाँ का नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ड्राइवर ने बोला है 5 बजे रेडी हो जाना, क्योंकि हम जल्दी से जाएंगे तो गंगोत्री भी पहुँच जाएंगे, और उसके बाद शायद उसी दिन हम लोग गौरीकुंड भी पहुँचें। तो दोस्तों अब जो ब्लॉग आने वाले हैं बहुत ही फाड़ू एडवेंचर आने वाले हैं, तो दोस्तों अभी आके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इस तरह के आपको वीडियोस इस चैनल पर मिल सकें। तो दोस्तों अभी हम लोग सोते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि।